हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, इस समय बज गए हैं दोपहर के 12:30। तो हमारी बिटिया ने बताया कि आज मम्मी मेरा सकपहिता खाने का मन है। सकपहिता आप लोग जानते होंगे, सकपहिता बनता है साग और दाल। गांव में पहले अरहर की दाल, उड़द की दाल को पहती बोलते थे, ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सकपहिता। सकपहिता कोई भी साग दाल में डाल के बनाया जाता है, उसको सकपहिता कहते हैं। तो देखिए, ये मेरा इतना बड़ा सालान है, ये देखिए। तो इसमें देखिए, ये आंवले के पेड़ लगा है। इधर देखिए, कुछ भिंडी के पेड़ है। पहले भिंडी बहुत थी, मैंने निकलवा दिया, ये नए पेड़ फिर से लगवाए हैं। और ये देखिए दोस्तों, इधर थोड़ी पालक लगाई है, लेकिन ये पालक हमारे कुत्तों की वजह से बिल्कुल रहती नहीं है। और तीसरी बात ये कि कोने पे देखिए एक नल लगा हुआ है, जो भी आता नल खोल देता तो ये पालक गई गल। फिर भी आज हम कुछ बड़ी बड़ी पत्तियाँ इससे तोड़ेंगे और पालक का सकपहिता बनाएंगे, क्योंकि हमारी रानी बिटिया की फरमाइश है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ये देखिए, ये मैं पालक तोड़ लाई हूँ, और पालक तोड़ने के बाद मैंने इसको धो लिया है। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन कर लिया है। ये देखिए, बस सावन में साग खाने को मना किया जाता है, किस लिए? कोई विशेष बात नहीं है। ये देखिए, सावन में पानी बरसता है, कीड़े लग जाते हैं। तो इसको हमने गर्म पानी में नमक डाल के इस साग की सफाई कर ली। इतना साग मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब चलिए गैस चढ़ा देते हैं हम। ये देखिए, गैस जलाते हैं, गैस में चढ़ा देते हैं कुकर, कुकर में डालते हैं पानी, और पानी में भी नमक डालेंगे, उसके बाद इस साग को उबालते हैं। तो ये देखिए, चलाते हैं हम गैस। इधर लाइटर कहाँ रख दिया लड़के लाइटर? अब ये हमारे यहाँ एक संदेश भैया हैं, ये लाइटर गायब करे हैं। अब लाइटर दोस्तों हम ढूंढेंगे। लाइटर, ये लाइटर लेके संदेश भैया खुद ही घूम रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा है ये। ये देखिए, अभी हमारे नाती आ जाएंगे तो काम ही नहीं करने देंगे, वो खुद ही बोलेंगे हेलो गाइस। ये देखिए, मैंने पानी चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा नमक हम इसमें भी डालेंगे, जो थोड़ा बहुत इसमें रह गया हो, उससे रह नहीं गई गंदगी, ना गंदगी रह गई है और ना इसमें कीड़े मकोड़े रह गए, क्योंकि मैंने गर्म पानी में तोला हुआ है। तो अब ये देखिए, मेरा नमक का पानी खोल गया है, तो इस साग को अब हम इसमें डाल देंगे, और ज्यादा देर इसको हम नहीं उबालेंगे, जिससे इसका हरापन नष्ट हो जाएगा। ये तो ये देखिए, इधर मैंने ये काला उड़द ले लिया है। ये देखिए, ये काला उड़द है, इसकी दाल बनाएंगे, इसी का हम सब पहता बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये काला उड़द है। उड़द भी कई तरह का होता है, हरा उड़द, काला उड़द, लेकिन यहाँ पे काला उड़द है। और सब पहता तो ज़्यादातर हम लोगों को हरे उड़द का अच्छा लगता है, ये काला है। तो इसका इसको हम भिगो देंगे, भिगो के इस दाल को हम सैंपल से उबाल देंगे। उबालने के बाद साग में मिक्स करेंगे। तो इस दाल को हम भिगो देते हैं, भिगो के उबाल लेते हैं। अब देखिए, साग भी मेरा हो गया है, हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद। और इसको देखिए, ये इसको हम तुरंत इसमें निकाल लेंगे। ये डलिया है, ये इसमें हम निकालते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, इस डलिया में हम निकाल लेंगे, और इसको बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे इसका हरा पड़ना खत्म हो। अब ये देखिए, इसमें जो पालक है, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये पानी आप लोग कहोगे कि पालक का पौष्टिक पानी है, ये बात तो आपकी सही है, पालक का पौष्टिक पानी है, लेकिन इस समय की पालक का पानी हम कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको पेड़ों में डाल देंगे। इसलिए कि इसमें हमने नमक डाल के इसको उबाला है, तो हो सकता है इसमें कुछ गंदगी हो, कुछ भी हो, तो ये पालक का पानी हम दाल वाल में इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। अब इसको मेरा नुकसान समझें या खुद भी समझें, लेकिन पालक जो है ये पानी डालने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको पेड़ों में डाल दें। अब देखिए, ये पालक जो है मैंने ठंडे पानी से धुल दिया है। अब इसको हम, ये देखिए, ग्राइंडर में डाल के इसको हम पीस लेंगे। देखिए, अभी और है, इतनी पीस जाएगी तो अभी दूसरी हम डाल देते हैं। अब इसे पानी नहीं डालना है, पानी तो उसमें खुद ही है। अब ये
देखिए अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए पालक पीस गई है, देखिए बिल्कुल ग्रीन है। ये जो बर्फ के पानी में मैंने धुल लिया है ये देखिए बिल्कुल से ग्रीन है ये। तो अब चलते हैं हम सब्जी बनाने। मस्टर्ड ऑयल है, आपको जो तेल पसंद हो आप वो तेल डालिए। देखिए आज हम इसमें दो रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए तेल मेरा गरम हो गया, ऐसे हाथ लगा दीजिए पता चल जाएगा कि तेल मेरा गरम हो गया है। तो अब इसमें देखिए हम डालते हैं हींग। ये देखिए पहले जीरा डालते हैं और जीरा के साथ ही हींग डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा चला देते हैं। अब इसको तड़कने देते हैं। अब इसमें डालेंगे ये देखिए लहसुन, प्याज। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब डाल देते हैं अदरक। टमाटर हमने दोस्तों दाल में डाल दिया था, दाल में मैंने हल्दी नमक और टमाटर डाला था। अभी देखिए मैंने जार से पालक निकाल लिया है और इसको हम घोल लेते हैं ये। अब देखिए प्याज हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डाल देते हैं। पालक देखिए मेरी ग्रीन जैसे की तैसे रखती है। तो अब गैस को तेज कर दीजिए और इसको थोड़ी देर पका लीजिए। हल्दी मैंने दाल में डाल दी थी, ज़्यादा हल्दी की साग में ज़रूरत नहीं होती। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। नमक मैंने साग में भी डाला है और पालक जो है वैसे भी थोड़ा सा नमकीन होती है। तो ये देखिए ये पालक पक गई है और हींग और जीरे की बहुत अच्छी सी महक आ रही है। हींग जीरा और अदरक, बाकी ज़्यादा मसाले इस सपेटा में हम डालते नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लहसुन होता है तो मैंने लहसुन कायदे से डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमारी दाल बन के रखी उड़द की दाल। ये देखिए ये टमाटर डाल के मैंने बना लिया था। देखिए इसको मैं से मिक्स कर देते हैं। ज्यादातर दाल में साग काट के डाल के सपेटा गांव में बनता है, लेकिन आज मैंने दूसरी तरीके से बनाया है। ये देखिए अब इसको एक उबाल आ जाए बस मेरा सपेटा बन गया। थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें, हरी धनिया डाल दें, हो गया। अब ये खोल जाए। अब ये देखिए ये सपेटा मेरा बन गया है। ये देखिए तो इसमें हम कश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डाले हैं, इसलिए कि हरे सपेटा के लिए मैंने पालक उबाल के डाला है कि हरा हरा लगे। अब हम कश्मीरी मिर्च इसमें डाल के हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो ये देखिए मेरा सपेटा बन गया है ये। अब ज़्यादा तड़का लगा के तेल नहीं हम इस्तेमाल करते। अगर आप चाहें तो एक बार और जीरे का तड़का लगा सकते हैं। वैसे फिलहाल हमने जीरा और लाल मिर्च वगैरह तो डाल ही दिया है। तो ये देखिए अब ये हम सर्व कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये देखिए करी पत्ता थोड़ा सा, वो सारी करी पत्ता नहीं धनिया, करी पत्ता तो मैंने साथ में डाला था। तो ये देखिए मेरा ये सब्जी मेरी तैयार है। मैंने मिर्च नहीं डाली, मेरा बच्चा खाता है इसलिए मैं मिर्च थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन आप इस सपेटा को एक बार जरूर बनाएं तो देखिएगा आपके घर में सबको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी रेसिपी, इसको रखते हैं साइड में। आज हम दोगे आपको, हम इसमें डालते हैं तेल। तेल थोड़ा ही डालेंगे। अब तेल गरम है, सबसे पहले इसमें जीरा पड़ेगा, हींग पड़ेगी। जीरा डाल दिया है, जीरा पड़ गया, एक मिर्ची डाल देंगे। देखिए
समूची मिर्च डालने से फ़ायदा है कि अगर नहीं खाना तो आपने कहा। इसी स्टेज पर देखो डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। जीरा और हींग का कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, दोनों साथ साथ डालें, दोनों की महक बहुत अच्छी लगती है, पूरे घर में फैल जाती है। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, तेल कम है इसलिए हम इसको साइड नहीं करते, तो ये लहसुन को पका लेते हैं। अब देखिए लहसुन मेरा भून गया है, अब इसे हम प्याज, अब प्याज को भी हल्का भून लेते हैं जिससे प्याज की मिठास ना खत्म हो इतना। अब प्याज भून गया है, अब इसमें जो मेरी पालक भूनी रखी ये डाल, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे इसका मिक्सी का ये मतलब जो जार है छोटा वाला इसके सारा जो पालक लगा हुआ वो सब पानी डाल के इसमें धुल के इसमें डाल दिया। ये हमारे खेत की पालक है, बाजार की नहीं है, क्योंकि बाजार वाली पालक में तो और मतलब कीड़े उड़े होते हैं सावन में, इसीलिए साग खाने को मना किया जाता है। तो अब देखिए इसको हम चला लेते हैं और थोड़ा सा पानी और डालेंगे और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। ये देखिए थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि पालक खुद भी नमकीन होती है, और इसको हम पका लेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों हम डाल देते हैं अदरक, अदरक का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा लगेगा, ये मैंने पूरा डाल दिया। इसको हम भूनते रहेंगे, थोड़ी देर पका लेंगे। अब ये देखिए ये मेरी पालक देखिए पक गई है, लेकिन आप ये देखिए ये इसका कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है, आपको उधर से दिख रहा होगा, ये देखिए। अब इसमें हम इसका ग्रीन कलर रखने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा आप नींबू डाल दीजिए तो पालक हमेशा ग्रीन रहती है ये। अब इसका साग जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। नमक मैंने डाल दिया है, आप टेस्ट करके नमक मिर्च दो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालें। अब देखिए कि जो मैंने आलू उबाल के रखी है ये, इसको हम इस तरह से इसमें डालेंगे, देखिए ये फूट जाएगी, लेकिन ये एक ऐसे अच्छा लगता है ये देखिए। और अगर आपको तुरंत खाना है तुरंत सर्व करना है तो ये पालक जो है आप इसके ऊपर भी डाल के सर्व कर सकते हैं, ये जैसे ये है। ये पालक गैस को हम धीमी करते हैं, इसको ऐसे करिए शाम के टाइम पर चाट नाश्ता बहुत अच्छा होता है ये, मैं अक्सर अपने घर में बना देती हूँ, लेकिन इस बार पालक हुई नहीं तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालिए, इमली का पानी डालिए, वो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के ये तैयार होती। ये देखिए तो अब देखिए इस सब्जी को हम बंद करते हैं, सब्जी भी ये देखिए बहुत अच्छी सी महक आ रही है ये। अब आप लोग बहुत दूर हो, मैं क्या बताऊं आप तक पहुंचेगी नहीं सुगंध ये। तो देखिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ये गैस हमारी बंद होती है तो ये देखिए रेडी है ये। और इसमें हमने डाल दिया ये धनिया, ये सब्जी देखिए एक बार ज़रूर बनाइए मेरे कहने से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वीडियो की ओर। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है तड़का पैन और गैस को जला दिया, और ये दही देखिए ये मैंने मथ के रख लिया है, ये इसको मथ लिया है, ये दही था ये देखिए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, और ये थोड़ा रायता बनाना है मुझे, तो रायता में देखिए ये मेरी राई जाएगी, तेल गर्म होगा वैसे ही राई जाएगी। तेल काफ़ी गर्म कर लेना चाहिए नहीं तो रायता में कच्चे तेल की महक आएगी। ये सरसों का तेल है या तो घी का रायता वो लगाएं दाढ़ा, और इसको हम लोग दाढ़ा ही बोलते हैं, तड़का भी बोला जाता है बघार भी बोला जाता है, हमारे यहाँ दाढ़ा बोलते हैं। तो ये देखिए अब ये तेल मेरा हो गया, तो गैस को मैंने स्लो कर दिया, इसमें डाल दिया मैंने राई। अब देखिए राई चटकने लगी, इसी समय हम डालेंगे हींग, और ये डालते हैं दो टो मिर्ची। अब बाद में इसे डालते हैं करी पत्ते, और ये मेरा तड़का पैन है।
गैस को बंद कर देते हैं और इस तड़के को हम इस तरह ये इसमें तड़का ले दिया। अब हम दोस्तों इसमें डालेंगे रायता की सामग्री। अब कैसे डालेंगे, देखिए टमाटर थोड़ा, प्याज, काला नमक, सादा नमक, इसको मिक्स। ये अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा टमाटर और डाल देते हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं इतना सेब। ये आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो सेब डालें, आपका ना मन हो तो ना डालें, लेकिन हमें अच्छा लगता है। ये देखिए तो ये मेरा रायता रेडी है। अब इसके ऊपर हम डाल देते थोड़ी सी धनिया। ये देखिए ये मेरा रायता भी है रेडी। आपको कौन सी तीन डिशेज चार मैंने बनाई हो, कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आया होगा। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अभी।